नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अतीत इस बात की गवाही आज भी देता है कि यूपी की राजनीति में यादव समाज ने मुलायम परिवार को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। प्रदेश की मंडल कमंडल वाली राजनीति में यादव समाज की निर्णायक भूमिका हमेशा रही, और अब जब यादव परिवार से एक नई मिसाल पेश की गई तो भैया जी से ज्यादा खुशी सत्ताधारी योगी बाबा को हो रही है। इस वक्त देखिये, यादव बंधुओं से योगी बाबा का दिल गार्डन गार्डन हो रखा है। इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यादव परिवारों से योगी का दिल गार्डन गार्डन, योगी की सत्ता में एक नई पहल से नया परिवर्तन, यादव समाज ने पेश की एक नई मिसाल, अब क्या नहीं मिलेगी मृत्यु भोज की दावत, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। उत्तर प्रदेश देखे हमेशा से देश की राजनीति का गढ़ रहा, यानी कि सेंटर। यूपी के रास्ते केंद्र की सरकारें भी बनी और औंधे मुंह गिरी भी। अब जो कि 2027 में यूपी का चुनाव और इस कारण त्रिशंकु मुकाबला बना हुआ है, सपा बसपा और भाजपा के बीच आर पार की चुनावी लड़ाई होगी, आप भी जानते हैं। अब सोचिए, 70 के दशक में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने मंडल आयोग बनाया, जिसका तोड़ निकालने के लिए भाजपा अपनी कमंडल वाली राजनीति पर उतर आई। लेकिन अब देखिए, समय ऐसा है कि मंडल और कमंडल दोनों को ही साथ लेकर यूपी में सत्ता की बिसात बिछाई जा रही है। हर पार्टी मंडल कमंडल का सूत्र आजमाते हुए दिख रही है, जातियों के समीकरण भिड़ा रही है। लेकिन इन सब के बीच यूपी का लगभग देखिए 8% यादव समाज किसी से कम नहीं है। ओबीसी समाज में सबसे बड़ी आबादी इन्हीं यादवों की है। 44 जिलों में 9% मतदाता यादव है, जबकि 10 जिलों में ये संख्या 15% से भी ज्यादा है। अब जो कि समाजवादी पार्टी डे वन से यादव समाज को साधने में जुटी है, और इस कारण यूपी के भैया अखिलेश यादव खुद को यादव समुदाय का नेता भी मानते हैं। लेकिन अब की बार देखिए, यादव समुदाय से कैसी पहल सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भैया जी से ज्यादा तो मठाधीश की खुशी का ठिकाना नहीं है। मृत्यु भोज को लेकर झांसी से कैसी तस्वीर सामने आई जिसने समाज में एक नए बदलाव का संकेत दिया। 13वीं के मौके पर ना ही मृत्यु भोग का न्योता मिलेगा, ना तो समाज के लोगों को बुलाया जाएगा, ना ही कहीं कहीं कोई जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से ब्राह्मणों और कन्याओं को यानी कि गरीबों को खिलाया जाएगा। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। यादव समाज की बैठक में बड़ा फैसला, समाज की कुरीतियों पर चली कुल्हाड़ी, अब नहीं खिलाया जाएगा मृत्यु भोज, ना ही 13वीं कार्ड छपवाया जाएगा, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मृत्यु भोज यानी कि 13वीं, इसी दिन मृतक के परिवार अपने रिश्तेदारों को, समाज को, ब्राह्मणों को और पाटीदारों को भोज कराते। मृतक की पसंदीदा जो चीजें होते हैं उन्हें बनाकर भोजन में परोसी जाती है। भोजन के बाद दक्षिणा, आभूषण, कपड़े, दान सब कुछ दिया जाता है, और स्वाभाविक सी बात है जब इतना खर्च होगा तो आर्थिक जो बोझ है मृतक के परिवार वालों पर ही पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में 13वीं का कहीं कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। खुद देश के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शास्त्र अनुसार 3 तरह के भोज का प्रावधान बता चुके हैं। अंत्येष्टि के 11वें दिन महापात्र का भोजन कराया जाना चाहिए, 12वें या 13वें दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात कही है, लेकिन शास्त्र में 12वें दिन के जो ब्राह्मणों को भोज कराने को भी कहा गया, लेकिन 13वें वाले दिन जब सगे संबंधियों को यानी कि रिश्तेदारों को, समाज के लोगों को जो खिलाया जाता है उसका उल्लेख कहीं भी शास्त्रों में बिल्कुल भी नहीं है। ये समाज की इसी कुरीति को खत्म करने के लिए झांसी के लगभग 200 यादव परिवार एक साथ आए। सर्वसम्मति से 13वीं के दिन होने वाले मृत्यु भोज का बहिष्कार करने का इन लोगों ने फैसला किया। तो यादव परिवारों की इसी नई पहल ने एक तरफ जहां समाज को एक नई प्रेरणा दी है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी मठाधीश योगी बाबा ने भी इस पहल का स्वागत किया। सौ बात की एक बात यह है कि झांसी से शुरू हुई इस नई पहल का स्वागत हर कोई कर रहा है, और वो दिन भी दूर नहीं जब योगी की सत्ता में समूचे यूपी से 13वीं वाली जो कुरीति है वो हमेशा के लिए मिट जाए। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर।